हेलो एवरीवन, आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं हम ईवीएस माय बॉडी क्लास वन के साथ। ओके, और ये है बुक जहाँ से हम ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट करा रहे हैं, और वीडियो के एंड में जो इसकी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर है, उसको सॉल्व करेंगे। तो एट फर्स्ट हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, तो हम कंटिन्यू करते हैं। आवर बॉडी हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, ईच पार्ट ऑफ द बॉडी हैज़ अ नेम, लुक एट द पिक्चर गिवन हेयर। ओके, हमारे शरीर में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं और हर बॉडी पार्ट का कुछ ना कुछ नाम है, तो हम पिक्चर की हेल्प से उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके नाम जानेंगे। ओके, आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, हेयर, हेड, आई, नोज, ईयर, चीक, नेक, माउथ। ओके, ये है शोल्डर, चेस्ट, एल्बो, आर्म, दिस स्टमक, हैंड, और ये रिस्ट। नेक्स्ट फिंगर्स, ये नी, यहाँ पर लेग, और ये क्या है, फुट। ओके, आपको सभी बॉडी पार्ट्स जो है वो क्लियर शो रहे हैं। ओके, वी कैन डू डिफरेंट थिंग्स विद आवर बॉडी पार्ट्स, हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं और उन बॉडी पार्ट्स के हम अलग अलग फंक्शंस के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। वी यूज़ आवर लेग्स एंड फीट टू डू दीज वंडरफुल थिंग्स, हम अपने लेग्स और फीट को हम किस लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे पिक्चर्स की हेल्प से बताया गया है। लेग्स के से हम वॉक करते हैं, जंप करते हैं, स्किप करते हैं, डांस करते हैं, रन करते हैं, और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए हमें लेग्स और फीट की ज़रूरत होती है। ओके, इनकी हेल्प से ही हम ये सभी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कर पाते हैं। नेक्स्ट है, वी डू डिफरेंट थिंग्स विद आवर हैंड्स, हैंड्स के हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्लैपिंग करते हैं, पेंट, ईट, राइट, होल्ड थिंग्स, तो ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, हमें हैंड की हेल्प लेनी। वी हैव फाइव फिंगर्स ऑन ईच हैंड, ओके, ईच हैंड में कितने फिंगर्स होते हैं, फाइव फिंगर्स होते हैं, हमारे टू हैंड्स होते हैं और एक हैंड में फाइव फिंगर होते हैं, तो टोटल कितने हो गए, फाइव फाइव, वन हैंड में फाइव फिंगर्स और सेकेंड हैंड में भी फाइव फिंगर्स, ऐसे ही टोज भी होते हैं, वी हैव फाइव टोज ऑन ईच फुट। ओके, हमारे टू लेग्स होते हैं, टू फुट होते हैं, और उसमें से फाइव फाइव टोज होते हैं दोनों में, इसलिए क्या हो जाएंगे, टेन हो जाएंगे। वी कैरी आवर स्कूल बैग ऑन आवर शोल्डर्स, हम अपने शोल्डर्स पे क्या करते हैं, स्कूल बैग कैरी करते हैं शोल्डर की हेल्प से। ओके, नेक्स्ट है सेंस ऑर्गन्स, हमारी बॉडी में जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, वी हैव फाइव सेंस ऑर्गन्स, हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स हैं, फाइव सेंस ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से, आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, कितने सेंस ऑर्गन हैं, फाइव सेंस ऑर्गन्स हैं, और कौन कौन से हैं, आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, दे हेल्प अस टू नो थिंग्स अराउंड अस, और इनकी हेल्प से हम अपने आसपास की चीज़ों को जानते हैं कि हमारे पास आसपास क्या है क्या नहीं है। आइज, आवर आइज हेल्प अस टू सी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, आइज़ की हेल्प से हम क्या करते हैं, हम अपने आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं, है ना। ओके, बुक्स रीड करने के लिए, कलर्स को देखने के लिए, शेप्स के देखने के लिए, टेलीविज़न वॉच करने के लिए, मतलब जो भी चीज़ हमें देखनी होती है उसके लिए हमें आइज़ की हेल्प लेनी होती है। ओके, वॉच टेलीविज़न, इन सभी के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, आइज़ की। और वॉचिंग टू मच टेलीविज़न और प्लेइंग गेम्स ऑन द कंप्यूटर इज़ हार्मफुल फॉर आवर आइज़, आपको पता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो वो हमारी आइज़ के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए कंप्यूटर, टेलीविज़न इन सबको बहुत कम, और मोबाइल फ़ोन्स भी, इन सबको बहुत कम यूज़ करना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतना आप यूज़ कीजिए, उसके बाद उस पर ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है टंग, वी टेस्ट डिफरेंट थिंग्स विद आवर टंग, टंग की हेल्प से हम क्या करते हैं, टेस्ट को फील करते हैं कि क्या टेस्ट है, जैसे स्वीट, आप आइसक्रीम खाते हो, आपको आइसक्रीम टेस्टी लगती है, तो उसका जो टेस्ट है आप किस से फील करते हो, टंग से फील करते हो। करेला बिटर है ना, बिटर होता है, करेला कड़वा होता है, पसंद नहीं आता है, लेकिन वो जो कड़वा है वो आप कैसे फील करते हो, आप जब टंग से उसको टच करते हो, जब
जब आप करेला खाते हो और आपकी टंग से जब वो टच में आता है तब आपको पता चलता है कि जो करेला है वो कड़वा है और वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, पर करेला हेल्दी होता है, आपको खाना चाहिए। चिप्स, चिप्स कैसे होते हैं? सॉल्टी होते हैं, इनका टेस्ट भी आपको टंग से पता चलता है। नींबू खट्टा होता है, ये इसका जो टेस्ट है वो भी आपको टंग से पता चलता है। मतलब जब भी अब आपको टेस्ट पता करना होता है आप किसकी हेल्प लेते हो? आप टंग की हेल्प लेते हो। ओके, तो वी टेस्ट डिफरेंट थिंग्स विद आवर टंग। नोज, वी स्मेल एंड ब्रीथ विद आवर नोज। नोज की हेल्प से हम क्या करते हैं? स्मेल करते हैं और ब्रीथ लेते हैं, ना, सांस लेते हैं। और किसी चीज़ की स्मेल लेनी होती है तो हमें नोज की हेल्प लेनी होती है। जैसे फ्लावर है, फ्लावर की स्मेल अच्छी लगती है, सोप की स्मेल होती है, ऑनियन की स्मेल होती है, तो इन सब की जो स्मेल होती है वो अगर हमें लेनी हो, पता करनी होती है, तो हम जो स्मेल हो वो किससे पता करते हैं? नोज से। ओके, नेक्स्ट है ईयर्स। आवर ईयर्स हेल्प अस टू हियर, और ईयर की हेल्प से हम सुनते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी आवाज़ है जो हमें सुनाई देती है वो हम ईयर्स की हेल्प से ही सुनते हैं। कार हॉर्न हो गया, बर्ड्स की जो आवाज़ होती है, सिंगिंग्स, वो सब, फायरवर्क्स और म्यूजिक, ये सभी हमें कहाँ से सुनाई देता है? कान से। हम कान की हेल्प से ही सुनते हैं, ईयर्स की हेल्प से हम सुनते हैं। आवर ईयर्स हेल्प अस टू हियर। वी स्मेल एंड ब्रीथ विद आवर नोज। नोज की हेल्प से हम क्या करते हैं? स्मेल लेते हैं और ब्रीथ करते हैं। ठीक है, ईयर्स की हेल्प से हम सुनते हैं। और स्किन की हेल्प से क्या होता है? और देखिए यहाँ पे एक पॉइंट्स लिखा हुआ है, लाउड नॉइज इज नॉट गुड फॉर अस, इट कैन गिव अस अ हेडेक और इवन मेक अस डिप। हम लोगों को बहुत तेज़ आवाज़ में ना तो म्यूजिक सुनना चाहिए, मतलब जो लाउडली आवाज़ होती है वो हम लोगों के ईयर्स के लिए हार्मफुल होती हैं। ओके, वी टच एंड फील विद आवर स्किन, और स्किन की हेल्प से हम चीज़ों को फील करते हैं। जैसे कि सॉफ्ट टॉय, आपको एक टॉय खेलने को दिया गया है और बहुत सॉफ्ट है, अगर आपको ये पता करना है आपको कैसे पता चलता है कि वो सॉफ्ट है? क्योंकि जब आप उसको टच करते हो वो आपकी स्किन की टच में आते हैं तो आपको पता चलता है कि ये सॉफ्ट है। एक स्टोन दिया जाता है वो बहुत हार्ड होता है, ये आपको हाथ में लेने से पता चलता है, आपकी स्किन के टच में आता है तब उसको पता चलता है कि ये, आपको पता चलता है कि ये हार्ड है। ओके, तो जो स्किन है वो हमें ये फील कराती है कि जो आपके पास चीज़ है, जो थिंग है, वो कैसी है। ओके, वी टच एंड फील विद आवर स्किन। ऐसे ही हॉट मिल्क अगर आपको दिया जाए तो आप जैसे ही उसको हाथ से पकड़ते हो, ऐसे ग्लास को ऐसे पकड़ोगे तो आपको वो हॉट फील होगा और आप बताओगे कि ये गर्म है। आइसक्रीम कोल्ड होती है, ठीक है, कोई चीज़ रफ है, स्मूथ है, सॉफ्ट है, हार्ड है, अगर इस तरह से आपको पता करना है तो उसके लिए आपको क्या स्किन की हेल्प लेनी होती है। ओके, तो हम चैप्टर का जो मेन पॉइंट्स हैं कुछ उनको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। आवर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स। ओके, हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स हैं। ओके, वी कैन डू डिफरेंट थिंग्स विद आवर बॉडी पार्ट्स, और हर बॉडी पार्ट की हेल्प से हम डिफरेंट थिंग्स को करते हैं, है ना। आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स। हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, और कौन कौन से हैं? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी, हमें अपनी बॉडी की केयर करनी चाहिए। ओके, लापरवाही नहीं रखनी चाहिए, अपनी बॉडी की केयर करनी चाहिए, क्लीन रखना चाहिए और उनको केयर से रखना चाहिए, किसी भी बॉडी पार्ट्स को हार्म नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। राइट इन द बॉक्सेस गिवन बिलो द नंबर ऑफ बॉडी पार्ट्स वी हैव। ओके, यहाँ पे आपको बॉडी पार्ट्स हो रहे हैं और आपको ये बताना है कि हमारे शरीर में जो बॉडी पार्ट्स हैं ये कितने हैं। आईज कितनी हैं? 2 हैं, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? 2 लिखना है। नोज 1 है, तो आपको 1 लिखना है। ओके, टंग कितनी है? टंग भी 1 है, तो आपको 1 लिखना है। ईयर्स कितने हैं? ईयर्स हैं 2, तो आपको 2 लिखने हैं। फिंगर्स कितनी हैं? 10। ओके, ईच हैंड 5 फिंगर्स होती हैं, तो टोटल 10 फिंगर्स हैं। लेग्स कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स, हम इसको सॉल्व करते हैं। आई लिसन टू म्यूजिक विद माय ईयर, हम किसके साथ सुनते हैं? ईयर के साथ, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ईयर। अगर आपको म्यूजिक लिसन करना है तो आपको ईयर की हेल्प लेनी पड़ती है। आई कैन सी द स्टार्स विद माय, हमें यहाँ पे सी करना है स्टार्स को, तो हम इसके लिए आईज की हेल्प लेंगे, है ना।
EYEI. ओके नेक्स्ट है माय टेल्स मी दैट द चॉकलेट इज यमी. आपको कैसे पता चलता है कि चॉकलेट जो है वो यमी है, टेस्टी है? तो टंग से पता चलता है. तो इसका आंसर क्या होगा? टंग, TONGUE. ठीक है. आई कैन फील अ सॉफ्ट टॉय विद माई हैंड. हम हैंड की हेल्प से पता करते हैं कि जो टॉय है वो कैसा है, सॉफ्ट है. ओके हैंड यहाँ पे टंग. नेक्स्ट है नेम द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड राइम विद दीज वर्ड्स. सैंड, आपको राइमिंग वर्ड कंप्लीट करती हुई यहाँ पे बॉडी पार्ट्स के साथ करना है. जैसे यहाँ पे सैंड है तो सैंड का क्या हो जाएगा, हैंड हो जाएगा. तो आप यहाँ पे लिखिए हैंड. ओके सैंड हैंड. रोज नोज, रोज नोज. फेयर हेयर, HAIR. DECK जैक, NECK नेक. THIN थिन और CHIN चिन. ओके सैंड हैंड, SANDE सैंड, HANDE हैंड, ROSE रोज, NOSE नोज, FAIR फेयर, HAIR हेयर, DECK जैक, NECK नेक. आपको शो रहा है DECK डेक, NECK नेक, THIN थिन, CHIN चिन. ओके ये है राइमिंग वर्ड्स में. आई लिसन टू म्यूजिक विद माई ईयर. आई कैन सी द स्टार्स विद माई आई. माई टंग टेल्स मी दैट द चॉकलेट इज यमी. आई कैन फील अ सॉफ्ट टॉय विद माई हैंड. ओके तो आज का वीडियो जो है वो कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.